Hey guys, assalamu alaikum. I hope aap sab theek honge and welcome back to my channel. It's me Hayat. So aaj hum baat karenge glowing skin ke bare mein. So agar aapki skin bahut rough, dry ho gaya aur bilkul bhi glow nahi karta jaise pehle hua karta tha and aap acche se skin care bhi kar rahe but still kuch kaam nahi kar raha to ये सिर्फ आपके लिए है. सिर्फ ये दो इंग्रेडिएंट हैं इस मास्क में एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक. इवन मैं इसको तब भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ जब मैं फेस वैक्स कराती हूँ. 3 दिन तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, आफ्टर वैक्स बिल्कुल भी एक्ने नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक हमारे पास है मिल्क पाउडर एंड सेकेंड इज़ हनी. ये दोनों इंग्रेडिएंट बहुत ऑसम होते हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं. हम सबको पता है कि स्मूदिंग के लिए एंड स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए मिल्क कितना मतलब अच्छे से काम करता है. एंड जो हनी है वो तो वैसे भी एंटी बैक्टीरियल है तो वो बिल्कुल भी एक्ने को होने नहीं देता. एंड स्पेशली वी नीड दिस बोथ थिंग्स आफ्टर वैक्स, क्योंकि आफ्टर वैक्स स्किन बर्न तो नहीं होती बट रेडनेस होता है, एक्ने हो जाती है. तो उसके लिए ये दोनों प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं. सो आपको बस सिंपली थोड़ा सा लेना है ये पाउडर. इट्स मिल्क पाउडर, आपके पास कोई भी है आपको यूज़ करें. यहाँ पे मैंने ये इसीलिए लिया है आपको समझाने में इजी हो. सो मैं यहाँ पे एक स्पून ले रही हूँ. मुझे सिर्फ फेस के लिए चाहिए, नेक पे नहीं लगाऊंगी. सो ये आ गया एक स्पून एंड हनी. ये आ गया हनी. हनी थोड़ा और चाहिए. इसको अच्छे से मिक्स करें. और इसका पेस्ट बनाएं, ज़्यादा भी थिक ना हो और ज़्यादा रनी भी ना हो, मतलब एक अच्छा पेस्ट हो. अगर आपके पास हनी नहीं है ना, उसकी जगह आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन हनी मतलब बेस्ट रहेगा अगर आप यूज़ करें. मैं कभी अगर ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, बिल्कुल अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा इस पर एक या दो बार स्प्रे भी कर सकते हैं रोज़ वाटर का. जैसे अभी मेरा हो गया बहुत अच्छा, ये ऐसे होना चाहिए. ठीक है, अब हाथ से अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा. ब्रश मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ वीडियोस के लिए यूज़ करती हूँ आपको समझाने के लिए. अगर हाथ का यूज़ करूँगी वीडियोस में तो वो बहुत ज़्यादा मिस हो जाएगा, क्योंकि ब्रश में जर्म्स होती हैं. सो आई डोंट यूज़ यूजुअली, मैं हाथ से ही लगाती हूँ. हाथ हम अपने बहुत अच्छे से वॉश करें उसके बाद ही अप्लाई करें, ऐसे नहीं. ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रश से लूँगी. जस्ट अप्लाई फॉर 13 मिनट्स. आफ्टर 13 मिनट्स आप इसको रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे लगाएं. अभी मैं थोड़ा यूज़ कर रही हूँ, आप अच्छे से एक अच्छी लेयर लगाएं, इतनी मोटी, ज़्यादा भी ना हो मोटा एंड ज़्यादा पतला भी ना हो, अच्छे से फेस और स्किन कवर हो जाए. आफ्टर वैक्स आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा है. एंड इसको आफ्टर वैक्स अगर आप यूज़ करें तो कोई और प्रोडक्ट बिल्कुल भी यूज़ ना करना, सिर्फ यही चीज़ यूज़ करना. आफ्टर सिर्फ 3 दिन के लिए ये यूज़ करें एंड आपको 3 दिन के बाद जो रिज़ल्ट मिलेंगे ना, यू विल बी शॉक. कोई एक्ने नहीं, कोई भी रेडनेस नहीं, स्किन बिल्कुल स्मूदिंग हो जाती है और बिल्कुल सॉफ्ट, इतना ग्लो कर रहा होता है. अगर आप वैसे भी इसको यूज़ करें हफ्ते में 2 बार, तब भी आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी कि आप बिलीव नहीं करें कि ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट इतना इजी मास्क इतना अच्छे से काम कर सकता है. इसको आफ्टर 13 मिनट्स के बाद अच्छे से वॉश कर लें एंड कोई सोप या कोई फेस वॉश ना यूज़ करें. अगर आप आफ्टर वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो कोई इसके अलावा रोज़ वाटर बस
थोड़ा स्प्रे करें और कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी ना लगाएं 3 दिन आफ्टर वैक्स, 3 दिन ये लगाएं और कोई प्रोडक्ट नहीं। हाँ अगर आपकी स्किन को एलोवेरा वो भी बिल्कुल नेचुरल सूट करता है तो वो थोड़ा सा लगाएं एंड स्प्रे रोज़ वाटर स्प्रे करें थोड़ा सा, और कोई चीज़ ना लगाएं, ये सिर्फ यूज़ करें। अगर आप वैसे यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके बाद ना यूज़ करें फेस वॉश, ये लगाएं किसी भी टाइम आप लगा सकती हैं, आप जब भी फ्री हो ये लगाएं, आफ्टर 30 मिनट्स वॉश करें एंड सी द ग्लो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।